बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन के चैप्टर में सबसे पहले आज हम सर्कुलर मोशन देखेंगे। अब तक हमने जितने भी मोशन पढ़े हैं उसके अंदर हमने देखा है कि किस तरह की बॉडी जो है एक एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मोशन अगर हरकत करती है तो उसके साथ क्या असूल जवाबित होते हैं, उसमें फोर्स कैसे लग रही है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये सर्कुलर मोशन है, ग्रेविटेशन है। सर्कुलर मोशन ये हम अपनी आम जिंदगी में से ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं जिनमें सर्कुलर मोशन का ताल्लुक है। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल तो क्या, आपका ये घर का सीलिंग फैन है। अब सीलिंग फैन की मिसाल क्या है कि आपका ये सीलिंग फैन जो होता है ये क्या है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और क्या मिसाल हो सकती है आपकी सर्कुलर मोशन की? और बहुत सिंपल सी मिसाल है सर्कुलर मोशन की, आपकी जमीन और सैारे की मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत से दुनिया में सैारे हैं जो क्या है सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, आप रास्ता तय कर रहे हैं, अपना सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। और क्या मिसाल हो सकती है, गाड़ी है। अगर आप इसकी मिसाल है गाड़ी की के गाड़ी में इंसान जो है अगर मिसाल के तौर पर जा रहा है, और हम मिसाल क्या ले सकते हैं, हम गाड़ी की मिसाल ले सकते हैं कि जिसके अंदर क्या है, हमारे पास एक है इस तरह के जो है रास्ते हैं। तो जब गाड़ी जो है इस पर ट्रेवल करती है, कोई भी गाड़ी जो है इस पर जब ट्रेवल कर रही होती है, तो जब तक जब ये गाड़ी मूव कर रही होती है, यहाँ से जब कर्व लेती है, वो दोबारा यहाँ से कर्व मूव लेती है और सीधा जाती है, तो इस दायरे में जब ये गाड़ी मूव कर रही होती है तो होता क्या है, जब आप महसूस करते हैं कि गाड़ी स्पीड से आ रही है, गाड़ी ने एकदम शार्प टर्न लिया, तो क्या आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है कि अपने आप को गाड़ी में सीधा रखने के लिए। और फिर दोबारा गाड़ी मूव करेगी तो फिर क्या, फिर जब इस साइड पे मूव करेगी तो एक डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी फौरन दूसरी डायरेक्शन में अपने आप को सीधा रखने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कहने का मकसद यह है कि भाई कि हमारा न्यूटन लॉ क्या कहता है, हमारा न्यूटन लॉ ये कहता है कि जब तक कोई बॉडी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो क्या हुआ, अगर वो सीधी चल रही तो क्या वो सीधी चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, एक्सटर्नल फोर्स लगती है जो बिल्कुल मिसाल के तौर पर एक्सटर्नल फोर्स लगती है, हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है, हमारे पास ये एक बॉल है, और अगर इसको हम यहाँ से मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो क्या स्ट्रेट लाइन चलते रहेगी। ये हमारा न्यूटन्स का लॉ कहता है। और क्या कहता है भाई कि अगर अगर इसी डायरेक्शन में लगेगी तो क्या होगा, तो सीधी चलते रहेगी, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी तो ये बॉल क्या होगी, इसकी स्पीड हल्का होना शुरू हो जाएगी और ये रुक जाएगी। लेकिन चले इस डायरेक्शन में अगर मिसाल के तौर पर अगर फोर्स लग रही तो क्या हो रहा, इस डायरेक्शन की फोर्स है तो पता है क्या होगा, स्पीड तेज हो जाएगी। इधर ऐसे फोर्स लगेगी इस बॉल के ऊपर तो क्या होगा, इसकी बॉल की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर फोर्स जो है अगर वो परपेंडिकुलर लगे, इस डायरेक्शन में लगे, तो क्या होगा, बॉडी जो है अपना पाथ चेंज करेगी। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, अब जैसे मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले बॉडी जो थी उसका ओरिजिनल पाथ क्या था, वो ये था, इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, और अब जब ये फोर्स लगी है तो अब क्या है, ये बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक फोर्स जो है इस बॉल को बॉल को सेंटर की तरफ खींचे, तो बॉडी अपना क्या कर रही है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। क्यों चेंज कर रही है, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो परपेंडिकुलर है इस मोशन के डायरेक्शन से। तो ये तो कौन सा मोशन इसमें वजूद में आएगा, सर्कुलर मोशन वजूद में आएगा। तो आइए हम इसको अब बहुत आसान अंदाज में इसको कैसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी मिसाल के तौर पर जैसे ये गेंद है, अगर ये गेंद ये सीधी चल रही है, और अगर कोई तो सीधी चलती रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है
जो परपेंडिकुलर है उसके मोशन के मुताबिक, तो क्या होगा, ये बॉडी का मोशन जो है ये एंगुलर होता शुरू हो जाएगा और ये एंगुलर पाथ में आ जाएगी और बॉडी गोल गोल घूमना शुरू कर देगी। तो आइए अब डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज द रोटेशन अलॉन्ग अ सर्कल, अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर ऑर्बिट, इट कैन बी यूनिफॉर्म दैट इज विद कॉन्स्टेंट एंगुलर रेट ऑफ रोटेशन, और नॉन यूनिफॉर्म दैट इज चेंजिंग रेट ऑफ रोटेशन। सही, तो इसी डेफिनेशन में बिल्कुल सही बात होगा कि भाई कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही हो या सर्कुलर ऑर्बिट हो, इसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो या स्पीड चेंज हो रही हो, लेकिन उसका एंगुलर पाथ हो चुके, हम उस बॉडी को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन हमें करने की क्या है कि इसमें मिसाल के तौर पर इसमें यूनिफॉर्म स्पीड तो हो सकती है, क्योंकि स्पीड मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बॉल जो है इसकी स्पीड जो है फॉर इंस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यूनिफॉर्म हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो क्या है, इट्स कीप चेंजिंग। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के बाद अब सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा सर्कुलर मोशन के अंदर कि बॉडी है जो क्या सर्कुलर पाथ में घूम रही है, बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में इसलिए घूम रही है कि जी स्ट्रेट लाइन में जाते जाते इसको एक फोर्स थी, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही थी ये फोर्स, राइट में जो ये फोर्स है, तो जिसकी वजह से जो क्या है इस बॉडी का जो है डायरेक्शन क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, फिर ये वो ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इस फोर्स की वजह से बॉडी जिस तरह बार बार घूम रही है, इसका क्या इसका एंगल चेंज हो रहा है रोटेशन का, और तो हमको ये देखना है कि एक्चुअली ये फोर्स क्या है और इस फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमें पता है कि इस के फोर्स जो है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। आइए अब देखते हैं कि भाई ये इस फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो वो बॉडीज जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती हैं, उनका रिलेशनशिप इस तरह है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के, और ये कहते हैं कि फोर्स जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मास के, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो ये तीन रिलेशनशिप्स हैं उन सारी बॉडीज के लिए जो अपना सर्कुलर मोशन में अपना ऑर्बिट परफॉर्म कर रही हैं। तो आइए जिसे हम यहाँ कहते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स है, तो अगर हम इन तीनों सारे रिलेशनशिप को जमा कर दें तो ये क्या बन जाए, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, व्हिच इंप्लाइज कि फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर यहाँ क्या है, आर ये है, ये रेडियस है, आर हमारा रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है, सही, द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड व्हिच द बॉडी इज मूविंग। आइए अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखते हैं। अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, तो जब भी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हमारे केस में न्यूटन के लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एम ए होता है, और अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अभी जो हमने इससे पहले जो ड्राइव किया था वो स्क्वायर अपॉन आर है। तो आइए अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जो है इसको देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में एफ सी कॉमन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कॉमन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम ए सी, और अगर हम मास मास को काट दें तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, वी स्क्वायर अपॉन आर।
ये बता रहे कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ दिस उसके स्क्वायर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के। आइए अब इसको इसकी डेफिनेशन देख ले। द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल व्हिच मींस सेंटर सीकिंग। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होती है। आइए अब सेंट्रीफ्यूजल फोर्स देखते हैं कि जिस तरह अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास एक बॉडी है जो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और इसकी जो है वेलोसिटी जो चेंज होती जा रही है उसके साथ, और एक परपेंडिकुलर फोर्स है, ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है जो इस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से क्या इसका डायरेक्शन बार बार चेंज होता जा रहा है और ये बॉडी अपने सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, जब कोई फोर्स लगती है तो उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है, कोई रिएक्शन होता है और एक ये ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, इसमें इनर्शिया कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो ये बॉडी जो है जब हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं तो क्या एक एक आउटवर्ड फोर्स लग रही है जिसको बाहर की तरफ खींच रही है, जिसको बैलेंस कर रही है, सही है। इसको हम क्या कहते हैं, ये आउटवर्ड फोर्स को हम इसे सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कहते हैं। और ये होता क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, इज इक्वल इन ऑपोजिट ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स।